बोले खालसा भाई, सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले जिस टीम ने ये ट्रेड और इंडस्ट्री मैनिफेस्टो बनाया है, मैं कंवर संधू साहब को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूं। ये मैनिफेस्टो पंजाब के लोगों का एक सपना है। कल लुधियाना के अंदर हम लोग मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए गए थे। मैं स्टेज पे बैठा था, एक व्यक्ति आया, मुझे कहता है जी एक ब्रेड की फैक्ट्री है, उसमें हर पैकेट ब्रेड का जो बनता है वो तब तक फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलता जब तक उस पे बादलों का टैक्स ना लग जाए। बादलों का जो हर पैकेट के ऊपर बादलों ने पैसे मांग रखे हैं। मैं एक और इलाके में गया, वहां पे इंडस्ट्री वालों ने बताया कि जी हर इंडस्ट्री के गेट के ऊपर उन्होंने अपना आदमी बिठा रखा है, जितने ट्रक जाते हैं हर ट्रक के ऊपर उनका पैसा बंधा हुआ है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ऐसा ही है कि नहीं है? इनकी गुंडागर्दी की वजह से आज पंजाब के अंदर इंडस्ट्री उठ उठ के बाहर जा रही है। जालंधर जो कि अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्विच गियर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था पूरी दुनिया के अंदर, आज वो सारी इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जालंधर के अंदर व्यापार खत्म कर दिया इन्होंने, इंडस्ट्री खत्म कर दी इन लोगों ने, या तो खत्म कर दी और या छीन ली, उस पर कब्जा कर लिया। सारे ट्रांसपोर्ट के धंधे के ऊपर इनका कब्जा है, रेती बजरी के ऊपर इनका कब्जा है, होटल इंडस्ट्री के ऊपर इनका कब्जा है, सबके ऊपर इन्होंने कब्जा कर दिया, दारू के ऊपर इनका कब्जा है। तो ये मैनिफेस्टो जो बना है, ये मैनिफेस्टो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के नहीं बना, ये मैनिफेस्टो हर हल्के में जाके, विधानसभा में जाके जनता के साथ बात करके, जो लोग दुखी हैं, व्यापारियों के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ बात करके, ये बड़ी मेहनत के साथ मैनिफेस्टो बना है। और मुझे पूरा यकीन है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैनिफेस्टो लागू होगा, और जब ये मैनिफेस्टो लागू होगा, तो पंजाब में बना हुआ माल दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा, ये मेरा आश्वासन है। दोस्तों, इसके अंदर जितनी बातें लिखी हैं, सारी बातें अभी कंवर संधू साहब ने कही, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो हमने दिल्ली में करके दिखाई हैं। जैसे दिल्ली के अंदर हम एक भी पॉलिसी बिना इंडस्ट्रियलिस्ट और बिना व्यापारियों से सलाह किए हुए नहीं बनाते। कई बार क्या होगा, सरकार फरमान जारी कर देती है, सरकार कोई भी ऑर्डर जारी कर देती है, कोई भी नया फॉर्म निकाल देती है, कोई भी नया रूल निकाल देती है, उसके ऊपर व्यापारी धरना प्रदर्शन करते हैं, इंडस्ट्री वाले दुखी होते हैं, उसे कोई फायदा नहीं होता। हमने व्यापारियों के साथ बैठ के कई कठिन कदम उठाए, कठोर कदम उठाए। जब आमने सामने बैठते हैं, समझाते हैं, व्यापारी मानते हैं, उद्योगपति मानते हैं, और एक भी अभी तक हमने पॉलिसी डिसीजन बिना व्यापारियों के और उद्योगपतियों की सहमति से नहीं लिया। तो आज यहां से मैं आश्वासन देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हर डिसीजन आप लोगों से पूछ के लिया जाएगा। इसमें लिखा है इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, रेड राज खत्म करेंगे, दिल्ली में करके दिखाया हम लोगों ने। जब मैं मुख्यमंत्री बना, वैट डिपार्टमेंट हर महीने लगभग 140-150 रेड किया करता था, रूटीन की रेड ऐसे चले जाते थे। मैंने पूछा क्यों जाते हो, कहते जी व्यापारी बड़ा बदमाश होता है, चोर होता है व्यापारी, उसको डरा के रखना पड़ता है। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आज सरकार व्यापारियों को, उद्योगपतियों को चोर मानती है, जबकि उद्योगपतियों के पैसे से ही अधिकारियों की, नेताओं की तनख्वाह चलती है। उनको इज्जत देनी पड़ेगी अपने को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को। नेता कैसा हो, अरविंद केजरीवाल कैसा हो।
शिकायत नहीं है, रेड हो रही है अभी, लेकिन अगर किसी की इंफॉर्मेशन मिलती है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे रेड होती है, ये रूटीन की जो 150 रेड हर महीने हुआ करती थी, ये सारी रेड हम लोगों ने बंद कर दी, इंस्पेक्टर आज हम लोगों ने बंद कर दिया 200, और उसका नतीजा उल्टा हुआ। इंस्पेक्टर कहते थे जी ये व्यापारी चोर है, ये मानते नहीं है, हमने इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया, रेड राज बंद कर दिया, हमारा रेवेन्यू घटने की बजाय बढ़ना चालू हो गया। ये इंस्पेक्टर जब रेड में जाते हैं, ये सरकार के लिए कम पैसा लेके आते हैं, अपने लिए ज्यादा पैसा लेके आते हैं, गरम तो नहीं कह रहा जी, ये अपनी जेब ज्यादा भरते हैं, सरकार के लिए कम पैसा लेके आते हैं। उसी तरह से इस बार बजट के अंदर दिल्ली में हमने सारे आइटमों के ऊपर, कई सारे आइटमों के ऊपर 12.5% से 5% टैक्स कर दिया, लकड़ी के ऊपर, मार्बल के ऊपर, कपड़े के ऊपर, मिठाई के ऊपर, नमकीन के ऊपर, चप्पल के ऊपर, कपड़े के ऊपर, कई सारी चीजों के ऊपर एकदम से 12.5% से 5% टैक्स कर दिया। आज यहां मैं अनाउंस करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 5 साल के अंदर किसी भी चीज पे टैक्स बढ़ाया नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर, ये मेरा वादा है, हर चीज के ऊपर टैक्स पूरे देश में सबसे कम होगा। अरविंद केजरीवाल, मुझे याद है विधानसभा के अंदर जब हम बजट प्रेजेंट करके बाहर निकले थे, इस बार बाहर व्यापारियों का झुंड इकट्ठा हुआ था, कई व्यापारियों की आंखों में टपटप आंसू बह रहे थे, उन्होंने कहा जी पहली बार ईमानदार सरकार देखी है, पहले 1% टैक्स भी अगर हमें कम कराना पड़ता था, करोड़ों रुपए देने पड़ते थे सरकार को, करोड़ों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी, कहता आपने 12.5% से 5% कर दिया टैक्स, इतने सारे आइटमों में कर दिया, 7.5% टैक्स कम कर दिया, 1 पैसा नहीं लिया आपने, कहता आज यकीन हो गया हमें ये ईमानदार सरकार। और बहुत सारी चीजें हमने पूरा डिटेल्ड प्लान बनाया है हर चीज का, पंजाब के अंदर नशा कैसे खत्म करना है इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हम लोगों ने, कहना बड़ा आसान है, सारी पार्टियां कहेंगी, लेकिन इसको करना कैसे है, 1 महीने के अंदर नशे की सप्लाई पंजाब के अंदर बंद कर देंगे, और 6 महीने के अंदर अपने लड़के जो नशे के अंदर बेचारे मरीज हुए हैं, उन लड़कों को उनका इलाज करा के 6 महीने के अंदर मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाएगा, उनका रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, 10 साल हो गए बादलों को, अब कांग्रेस को इंतजार है कि हम सरकार चलाएं, कैप्टन साहब जा रहे हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, वो क्या आके वोट मांगते हैं, कहते हैं अब 10 साल हो गए, अब हमारी बारी है, हमको वोट, अब हम सरकार चलाएंगे, बारी बारी बात रखी है इन्होंने, एक बार बादल, एक बार कैप्टन साहब, एक बार बादल, एक बार कैप्टन साहब, और दोनों मिले हुए हैं। हमने यूथ मैनिफेस्टो जारी किया, हमने किसान मैनिफेस्टो जारी किया, बताया कि यूथ के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, आज हम ट्रेड और इंडस्ट्री का मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, महिलाओं का करने वाले हैं, दलितों का करने वाले हैं, इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार कैसे दूर करेंगे, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हम लोगों ने, और कई कई रातें बिता के, कई कई रातें गुजार के हम लोगों ने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर ये सब हमने तैयार किया है। एक आरोप ये लगाया जाता है, मैं सुन रहा हूं 1-2 दिन से जब से पंजाब में आया हूं, कुछ लोग कह रहे हैं जी केजरीवाल मोदी से लड़ता बहुत है, अगर पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करेगी, मोदी सरकार कोई मदद नहीं करेगी, इससे पंजाब में लोगों को तकलीफ होगी। 2 साल हो गए मोदी सरकार बने हुए, 2 साल से बादल उनकी चमची मार रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं 2 साल में बादल पंजाब के लिए क्या लिया, एक नया पैसा बता दो जो 2 साल के अंदर बादल मोदी सरकार से पंजाब के लिए लेके आए, एक नया पैसा, एक नई स्कीम।
स्कीम कोई एडिशनल चीज ये मोदी सरकार से लेके आए, उन्होंने सारी चमची मार मार के देखी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी के पैरों में पड़ना पड़ेगा, पैरों में पड़ेगा पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए। लेकिन अगर पैरों में पड़ने से काम नहीं चलेगा तो हमको छीनना भी आता है, लड़ना भी आता है, संघर्ष करना भी आता है। आठ हजार करोड़ रुपए का
और कांग्रेस के जॉइंट सीएम कैंडिडेट है। अभी कांग्रेस ने अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, बादल ने और बीजेपी ने कर दिया कि उनके सीएम कैंडिडेट को कैप्टन साहब। अगर एक भी वोट तकलीफ में पड़ता है वो किसको जाएगा? वो बादलों को जाएगा, वो मछली को जाएगा, वो नेशन के लिए जाएगा। एक भी वोट कमल पे पड़ता है वो किसको जाएगा? बादलों को जाएगा, मजीठी को जाएगा, नशे के लिए जाएगा। एक भी वोट पंजे पे पड़ता है वो किसको जाएगा? वो कैप्टन को नहीं जाएगा, वो भी बादलों को जाएगा, वो भी मजीठी को जाएगा, वो भी नशे के लिए जाएगा। इस बात का पूरे पंजाब में प्रचार करना, कहीं जनता धोखे में ना आ जाए। और जो जो वोट झाड़ू पे पड़ेगा वो झाड़ू पे पड़ा हुआ वोट नशा मुक्त पंजाब के लिए जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब के लिए जाएगा। आम आदमी पार्टी कोई ना कोई तो कुदरत का करिश्मा है। पार्टी बनी एक साल के अंदर 70 में से 67 सीट आ गई। कैसे आ गई? हम लोग आ गए, हम लोग बहुत आम लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, हम लोग हमारी कोई औकात नहीं है। एक साल के अंदर 70 में से 67 सीट आना ये इंसानी काम नहीं हो सकता। ऊपर वाले का करिश्मा है, कुछ ना कुछ कुदरत का करिश्मा है। कहते हैं ना, जब आपका घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है दोस्तों। ऊपर वाले के इशारे को समझो, सब इकट्ठे हो जाओ, हमारे पास हम लड़ने को पैसा नहीं है, बिल्कुल भक्कड़ हम लोग। दिल्ली में डिसाइड हो गया सरकार चलाते चलाते, अगर हमारी मंशा खराब होती 40,000 10% अगर लेना चालू कर देते तो 2,000-4,000 करोड़ रुपए पाई जाते एक साल में। एक पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, एक पैसा नहीं हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट में। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को बोलते थे कि भाई हर जगह में 5% पार्टी फंड में जाएगा। ऐसे फंड नहीं है, सारे ठेकेदारों को बोलते थे 5% पार्टी फंड में देना, हम भी कर सकते थे लेकिन हमारा जमीन नहीं माना। अगर ये करते तो वो हमारे को मुंह खाने लायक नहीं बचते, हम लोग अपनी आत्मा को खाने लायक नहीं बचते। ईमानदारी से काम किया, दो मिनट आम आदमी की धोखी इनका जो पैसा जो कमाया इनका अभी निकालना है, वो ये सरकार में जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है ना उनको बाहर निकालना है। वो सारा बाहर निकाल के जितना पैसा बाद में लूटा है, जितना पैसा उसके पहले कांग्रेस ने लूटा है, वो सारा इस्तेमाल करना पंजाब में पूरा अस्पताल बनाने हैं। हमने कहा था कि जितने के रेती बजने के ठेके हैं, ये रेती बजने के ठेके कैंसिल करके अपने युवाओं को देंगे, अपने लड़कों को, अनएम्प्लॉयड लड़कों को देंगे। इनके बसों के परमिट हैं, इनको कैंसिल करके अपने लड़कों को पार्टी के बसों के परमिट, ये बाद में सारे बसों के परमिट कैंसिल करेंगे। Thank you.